हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ चमसूर के लड्डू। चमसूर हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं। ये इन्हें बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी खा सकते हैं। ख़ास तौर पर इन्हें न्यू मॉम्स को ज़रूर दिया जाता है, क्योंकि इनमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स होते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं आज लड्डू। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। चलिए बनाते हैं लड्डू। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर मैंने लिया है काजू, बादाम, किशमिश, मखाना। करेंगे गोंद को हम घी में फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैं 100 ग्राम घी ले रही हूँ। इसे हम स्लो फ्लेम पर गरम कर लेंगे। घी को हमें ज़्यादा गरम नहीं करना है, क्योंकि अगर ज़्यादा गरम हो जाएगा तो जो गोंद है वो ऊपर से जल्दी से लाल हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसलिए हम स्लो फ्लेम पर इसे भूनेंगे। धीमी आंच पर हम इसे थोड़ा थोड़ा करके भूनेंगे। एक साथ हमें पूरा कढ़ाई में नहीं डालना है, नहीं तो अच्छी तरह से भूनेगा नहीं और लड्डू बनाने के बाद ये दांतों में चिपकने लगेगा। कलर चेंज होने लगा है, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी की चीज़ें भी रोस्ट कर लेंगे। काजू और बादाम, इन्हें हमें ज़्यादा देर तक रोस्ट नहीं करना है, बस हल्का सा कलर चेंज होने तक हम इन्हें रोस्ट करेंगे। कलर चेंज हो गया है, अब हम इसे पलट लेंगे। इसी तरह से हम बादाम भी रोस्ट कर लेंगे। बादाम को हमें हल्का चटकने तक और फूलने तक रोस्ट करना है। काजू और बादाम हम बस एक एक मिनट तक हम इन्हें रोस्ट करेंगे। ध्यान देना है, हमें काजू और बादाम ज़्यादा डार्क नहीं होने देना है। इसके बाद हम आटा भून लेंगे।
गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल धीमा रखना है। कंटिन्यू चलाते रहना है, नहीं तो आटा नीचे से जल सकता है। आटा भूनने में मुझे 10 मिनट टाइम लगा है। इसे भी हम पलट लेंगे। इसके बाद हम चमसूर पीसते हैं। चमसूर को हमें बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होने तक पीसना है। इसके बाद हम गोंद पीसेंगे। गोंद हमें दरदरा रखना है। इसे हम बस 1 से 2 सेकंड के लिए पीसेंगे। इसके बाद ड्राई फ्रूट्स आप चाहें तो कट भी कर सकते हैं या फिर इन्हें 1-1 सेकंड के लिए ग्राइंड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को मैं बस 1-1 सेकंड के लिए सभी चीज़ों को ग्राइंड करूंगी। खरबूजे के बीज और किशमिश हमें साबुत रखना है। मखाना भी हम दरदरा पीस लेंगे। सभी चीज़ों को हम एक बड़े बर्तन में मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम भुना हुआ आटा डालेंगे और लास्ट में गुड़। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ज़रूरत के हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे। एक बार में हमें घी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। थोड़ा थोड़ा घी डालने के बाद हम मिक्स करते जाएंगे। घी मुझे कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा घी इसमें और डालूंगी। इनको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब हम लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। हथेली में हम थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और लड्डू बनाएंगे। लड्डू अच्छी तरह से बन रहा है, इसका मतलब घी सफिशियंट है, हमें और डालने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। तो लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए, खाइए, घर में सभी को खिलाइए। और अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।